आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ ही खड़ी हुई थी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने अपने बनने के कुछ महीने बाद ही कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में सरकार बनाई थी। जैसे जैसे बीजेपी मजबूत होती गई, कांग्रेस और आप की करीबी बढ़ती गई। अब बात ये होती है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन किन किन राज्यों में होगा और कितनी सीटों पर होगा। भारत एट 9 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। राजनीति में साथ और खिलाफ अपने अपने हितों के हिसाब से होता है। जब आम आदमी पार्टी बनी तब शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि कांग्रेस के साथ इसका चुनावी गठबंधन होगा। जाहिर है आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ ही खड़ी हुई थी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने अपने बनने के कुछ महीने बाद ही कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में सरकार बनाई थी। कांग्रेस के साथ आपका रिश्ता बीजेपी के विस्तार से जुड़ा है। जैसे जैसे बीजेपी मजबूत होती गई, कांग्रेस और आपकी करीबी बढ़ती गई। अब बात यह होती है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन किन किन राज्यों में होगा और कितनी सीटों पर होगा। देखिए, हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की कई लिस्ट जारी कर चुकी है। इसी कड़ी में अब आम आदमी पार्टी ने भी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। ये लिस्ट ऐसे वक्त में जारी हुई है जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की बातें बीते दिनों बढ़ी थी। मगर आपने 20 उम्मीदवारों की जो लिस्ट 9 सितंबर को जारी की है उनमें से 12 सीटें ऐसी हैं जहां से कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इसके बाद 10 सितंबर को पार्टी ने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। ऐसे में सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन की दो सहयोगी पार्टियां कांग्रेस और आप क्या हरियाणा में एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगी? क्या हरियाणा में 10 साल से सत्ता में बैठी बीजेपी के खिलाफ पड़ने वाला वोट बढ़ सकता है? हरियाणा में 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के सवाल पर आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक निजी समाचार एजेंसी से 9 सितंबर को बात की और कहा कि 12 तारीख तक नामांकन होना है, समय कम बचा है, बीजेपी के 10 साल के कुशासन को हटाना हमारी प्राथमिकता है। 20 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई है। गठबंधन के अड़चनों के बारे में संजय सिंह ने कहा कि अब उसकी चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। आज जो 20 प्रत्याशियों की सूची आई है, जल्द और सूची आएंगी। हम आगे बढ़ रहे हैं, पहली लिस्ट जारी कर चुके हैं हमने, 15 दिन में 45 रैलियां की हैं। इससे पहले हरियाणा में आपके प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा था कि मैं 90 सीटों की तैयारी कर रहा हूं। आलाकमान की तरफ से किसी भी प्रकार के गठबंधन की कोई खबर हमारे पास अभी तक नहीं आई है। यानी हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं। बीजेपी 2014 और 2019 में विधानसभा चुनाव जीतकर बीते 10 सालों से सत्ता में बनी हुई है। साल 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 40 और कांग्रेस को 31 सीटें पर जीत मिली थी। बीजेपी दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन के कारण सरकार बनाने में सफल रही। इसके बाद 2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होगा, 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। 2019 से तुलना करें तो हरियाणा लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर भी 58% से घटकर 46% हो गया है। कहा यह जा रहा है कि इस बार बीजेपी के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव आसान नहीं होने वाला है। इसकी कई वजह गिनाई जाती हैं। 10 साल से सत्ता में रहने के कारण बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर बताई जा रही है। ये चुनाव किसान आंदोलन के बाद हो रहे हैं। किसान आंदोलन में बड़ी संख्या में हरियाणा के किसान भी शामिल थे। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी के रुख की आलोचना होती रही है। हरियाणा से सेना में जाने वालों की संख्या अच्छी खासी रहती है। इस बार अग्निवीर योजना को मुद्दा बनाए जाने को लेकर कांग्रेस आक्रामक है। इसी को देखते हुए अग्निवीर योजना में मोदी सरकार ने कुछ बदलाव भी किए हैं ताकि चुनाव में होने वाले संभावित नुकसान को कुछ कम किया जा सके। इसके अलावा बीते साल दिल्ली के जंतर मंतर पर हरियाणा के पहलवानों ने भी तब के बीजेपी सांसद बिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दिया था। अब इस प्रदर्शन को लेकर बीजेपी नेताओं के रुख को भी हरियाणा में अच्छे से नहीं लिया गया था। अब धरना दे चुके पहलवानों में से विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस में आ चुके हैं और कई नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। तब बीजेपी के लिए चुनाव आसान नहीं माना जा रहा है। आइए जानते हैं हरियाणा में आम आदमी पार्टी की स्थिति कैसी है। अरविंद केजरीवाल मूल रूप से हरियाणा से हैं। हरियाणा के हिसार जिले का खेड़ा केजरीवाल का पैतृक गांव है। केजरीवाल अतीत में कई मौकों पर अपनी हरियाणा की पहचान को खुलकर बताते रहे हैं। 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता प्रचार कर रही है। इस प्रचार के दौरान सुनीता केजरीवाल अरविंद को हरियाणा का बेटा बताती है। सुनीता ने हाल ही में एक चुनावी रैली में कहा, जो काम बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं कर पाई वो काम आपके लाल ने कर दिया, आपके भाई ने कर दिया, आपके बेटे ने हरियाणा का नाम पूरे देश दुनिया में रोशन कर दिया। क्या आप सब चुपचाप बैठे रहेंगे? क्या आप अपने बेटे का साथ नहीं देंगे? जाहिर है कि सुनीता और आम आदमी पार्टी केजरीवाल को जेल भेजे जाने के मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी को इस बात का फायदा नहीं मिला था, ना तो दिल्ली में और ना ही हरियाणा में।
अब सवाल ये है कि अब तक के चुनावों में हरियाणा में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा। लोकसभा चुनाव 2024 में हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़े थे, हालांकि आप सिर्फ एक कुरुक्षेत्र सीट पर लड़ी थी। इस सीट से चुनावी मैदान में आपके प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता थे। सुशील गुप्ता इस सीट पर करीब 5,13,000 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहे। इस सीट से बीजेपी के टिकट पर नवीन जिंदल जीते थे। लोकसभा चुनाव 2024 में आम हरियाणा 3.94% वोट पाने में सफल रही थी और 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी 46 सीटों पर लड़ी थी, मगर पार्टी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा था। वो एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। आपके उम्मीदवारों की कई सीटों पर जमानत तक जब्त हो गई थी। पार्टी का वोट शेयर 0.48% रहा था। 2019 लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सभी 10 सीटें बीजेपी ने जीती थी। तब आपने 3 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इन चुनावों में आपका वोट शेयर 0.36% रहा था। हरियाणा में कई ऐसे दूसरे राजनीतिक दल हैं जो किंग मेकर की भूमिका में आते हैं। बीते चुनाव में दुष्यंत चौटाला की जेजेपी ने सरकार बनवाने में अहम भूमिका अदा की थी। इस बार जेजेपी और बीजेपी की राहें अलग हैं, मगर चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और जेजेपी के बीच गठबंधन हो गया है। 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीती 47 सीटों को छोड़ दिया जाए तो तब से बीजेपी लगातार ढलान पर है। कई लोग मान रहे हैं कि हरियाणा में चुनाव धर्म से ज्यादा जाति की तरफ झुकता नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन जातिगत जनगणना के बहाने जाति के मुद्दे को लगातार उठा रहा है। हरियाणा के चुनावों में जाति का असर अतीत में देखने को मिलता रहा है। हरियाणा में जाट और गैर जाट वोट निर्णायक भूमिका में रहे हैं। हरियाणा की आबादी में जाट 20-30% है। माना जाता है कि ये वोट बैंक बीजेपी के साथ नहीं जाता। हरियाणा में जाट ओबीसी का दर्जा हासिल करने के लिए कई बार सड़कों पर उतर चुके हैं, लेकिन बीजेपी उनकी मांग पूरी नहीं कर सकी। किसान आंदोलन में भी जाटों की अच्छी खासी भागीदारी थी और पहलवानों के आंदोलन में भी समुदाय साथ खड़ा था। चंद्रशेखर आजाद और दुष्यंत चौटाला के साथ आने से दलित वोट बढ़ सकता है। मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने इनेलो के साथ गठबंधन किया। दलित वोटों पर दावेदारी चंद्रशेखर और मायावती दोनों की रहती है। उधर बीजेपी भी गैर जात वोटों को एकजुट करने की कोशिश करती रही। अब ऐसे में चुनाव दिलचस्प हो गया है। INLD और जेजेपी का प्रदर्शन भले ही लोकसभा चुनाव में अच्छा ना रहा हो, मगर इनके होने से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। CSDS लोक नीति में और इसके सर्वे में भी हरियाणा में कांग्रेस के मजबूत होने के संकेत हैं, मगर ऐसा नहीं है कि इससे बीजेपी के लिए बाजी हाथ से पूरी तरह निकल गई है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जेजेपी, आजाद समाज पार्टी, INLD इतने राजनीतिक दलों के हरियाणा के चुनावी मैदान में होने से एंटी बीजेपी वोट बढ़ सकता है। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में 46% वोट पाने में सफल रही थी। साथ ही हरियाणा में कांग्रेस के अंदर 2 गुट नजर आ रहे हैं, कुमारी शैलजा बनाम हुड्डा। हालांकि बीजेपी में भी भीतरघात के कई मामले सामने आ रहे हैं। अब देखना यह कि हरियाणा में इस बार क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर लौटेंगे, किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।